सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है काल, जो आपकी व्याकरण पुस्तिका में पाठ 15 पर दिया गया है। इस पाठ का स्वयं से भी अध्ययन करेंगे। चलिए काल के विषय में मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले है काल। काल का अर्थ क्या होता है बच्चों? समय। और समय का प्रभाव पड़ता है क्रिया, और क्रिया का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, काम। यानी कि यदि हम दिन में, पूरे दिन में जो भी काम करते हैं वो बच्चों समय के अनुसार, यानी कि काल के अनुसार ही करते हैं। अब जो क्रिया है बच्चों, उसका समय पर कैसे पहचान की जाए कि हमने क्रिया तो कर ली, लेकिन हमें समय की कैसे पहचान हो, इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्रिया की पहचान करने के लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि जैसे है, हैं, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी। बस अब आप यदि ये नौ शब्द बच्चों अपने दिमाग में बिठा लें तो आप इस विषय को कभी भूलेंगे ही नहीं। तो बच्चों, इन सब के, इन नौ शब्दों से का प्रभाव जो है वो हमें बताएगा कि हमें काल की पहचान कैसे करनी है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हमें काल के भेदों की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो बच्चों, काल के मुख्य तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्काल। तो भूतकाल की पहचान कैसे करें कि हमसे वाक्य में भूतकाल पूछा जाए तो हम वाक्य में कैसे जानें कि यह भूतकाल है? तो बच्चों, पहचान लीजिए ना, था, थे, थी वाक्य का अंतिम शब्द, यानी कि वाक्य के अंतिम में होती है क्रिया, और क्रिया का यदि अंतिम शब्द था, थे, थी है तो समझ जाइए कि वहाँ पर भूतकाल है। वही आ गए ना बच्चों नौ शब्द। अभी मैंने ये देखो पढ़ाए थे ना आपको पीछे भी, है, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी। बस इन नौ शब्दों से ही हम मुख्य भेदों की जानकारी भी लेंगे। तो पहला मुख्य भेद था भूतकाल। तो वाक्य के अंत में यदि शब्द हो, था, थे, थी, तो समझ जाइए कि वो क्रिया भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में हो चुकी थी। आगे चलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो समय अब चल रहा है, उसकी पहचान करेंगे वाक्य के अंतिम शब्द है, हैं और हो से, यानी कि जिस वाक्य के अंतिम शब्द है, हो है, तो समझ जाइए कि वो समय अभी चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। आगे चलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल होता है आने वाला समय, यानी वाक्य के अंत में यदि गा, गे, गी होता है तो समझ जाइए कि वहाँ पर आने वाला समय यानी कि भविष्य काल के बारे में पूछा गया है। है ना बच्चों, आसान कितना। चलिए अब और अन्य उदाहरणों से भी हम इसे पढ़ते हैं। अमित ने कल ढोल बजाया था। वैसे तो हम इस वाक्य में कल से ही जान गए कि यह क्रिया हो चुकी है, यानी कि बीते समय में हो चुकी है। यदि बच्चों हम इस वाक्य से कल को हटा दें तो हम अंतिम शब्द देखेंगे था, और अंतिम शब्द था, थे, थी किसके पीछे लगे हैं? भूतकाल के। तो बच्चों, भूतकाल के बारे में बता रहे हैं था, थे, थी। तो यह अमित ने ढोल बजाया था, तो बच्चों यहीं से पता चला कि अमित ढोल बजा चुका है, यानी कि बीता हुआ समय भूतकाल। आगे आता है बच्चों वर्षा हो रही है, है, हैं और हो, जिन वाक्य में, वाक्य के अंत में ये शब्द होते हैं तो समझ जाइए कि वो वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। आगे चलते हैं गुरुजी उपदेश देंगे, गा, गे, गी, यानी कि हमें भविष्य काल के, यानी आने वाले समय में के बारे में बता रहे हैं, तो आने वाले समय को बोलते हैं भविष्यत काल। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या करने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, कुछ क्रियाएं आप करते हैं लेकिन कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, पिछले प्रीवियस वर्क में भी बताया था कि जिस प्रकार से बच्चों सूर्य का निकलना, वर्षा का होना, हवा का चलना, है ना बच्चों, तो ये क्रियाएं स्वयं होती हैं। जैसे सुबह सूर्य निकला था, वर्तमान काल यानी कि ये सॉरी भूतकाल यानी कि क्रिया हो चुकी है। अब सूर्य मेरे सर पर है, यानी कि क्रिया हो रही है वर्तमान काल। शाम को सूर्य छिप जाएगा, यानी कि भविष्य काल। यानी कि एक ही समय में हमने तीन क्रियाओं के विषय में पढ़ लिया, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी प्रकार बच्चों आप भी जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ जाते हैं तो वो हो जाता है आपका भूतकाल। यदि आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो वो हो गया आपका वर्तमान काल, और रात को आप सो जाएंगे तो वो हो गया आपका भविष्य काल।
ठीक है बच्चों। चलिए अभी मैंने आपको पीछे तीन भेदों के बारे में जानकारी दी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में। आगे हम उसके अन्य भेद पढ़ते हैं। भूतकाल के बच्चों अन्य आगे छह भेद हैं। सामान्य भूतकाल, सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य मैंने सिंपल, यानी कि क्रिया हो चुकी है, यानी राम ने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल में आता है। आसन्न भूतकाल, यानी कि जो क्रिया अभी अभी मैंने ख़त्म की है, यानी हो चुकी है लेकिन अभी अभी, जैसे राम ने अभी अभी खाना खाया है, यानी कि क्रिया हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है, उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, यानी बहुत उसे समय हो चुका है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, बच्चों उनका ये संघर्ष बहुत समय पहले हो चुका है। पूर्ण मैंने पूरा हो गया, तो उसे वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। आगे आता है अपूर्ण भूतकाल, यानी अधूरा रह गया, यानी कि क्रिया पूरी हुई नहीं। पिछले समय में वो शुरू तो की लेकिन वो पिछले समय में भी पूरी नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं अपूर्ण, यानी कि अधूरी क्रिया। जैसे कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, यानी कि क्रिकेट मैच खेला जा रहा था लेकिन वो क्या हुआ, बीच में ही रुक गया, वो क्रिया पूरी नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि वो हारा या जीता। आगे चलते हैं हेतु मद भूतकाल, यानी कि क्रिया बीते समय में तो हुई लेकिन वो किसी कारण वंश आगे भी पूरी नहीं हुई। उसे जैसे कि यदि वर्षा नहीं हुई होती तो भारत क्रिकेट मैच जीत सकता था, यानी कि वर्षा के कारण भारत जो था वो क्रिकेट मैच जो था वो ड्रॉ हो गया और भारत वो मैच नहीं जीत पाया, यानी कि क्रिया हुई लेकिन वो किसी कारण क्या था, वर्षा का होना। तो बच्चों किसी कारणवश वो क्रिया पूरी नहीं हो पाई, तो वहाँ होता है हेतु मद भूतकाल। आगे आता है बच्चों नंबर छः संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह या शक, जिस भूत क्रिया में यानी बीती हुई क्रिया में हमें शक पैदा हो, यानी कि जैसे मोहन सो चुका होगा, यानी अभी हमें उसमें शक है कि वे पूरी तरह सोया है या नहीं, तो वहाँ पर आता है संदिग्ध भूतकाल। बच्चों उसी प्रकार से वर्तमान काल के भी आगे तीन भेद दिए गए हैं और भविष्य काल के भी आगे दो भेद दिए गए हैं। इन दोनों कालों का हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।